आंसर फॉर राहुल. ओके, नाम तो सुना ही होगा. और नहीं, दो तीन लोगों ने पूछा है कि आर यू सिंगल, आर यू डेटिंग समवन, आप शादी कब कर रहे हो. बाय द वे, थोड़ा सा सीक्रेट भी रहने देना चाहिए. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी और आ गई नए वीडियो के साथ. बाकी आफ्टर सो लॉन्ग मैं ऐसे बैठकर कोई वीडियो शूट कर रही हूँ. मुझे खुद को काफी अजीब लग रहा है बिकॉज़ बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोस के बाद ये ऐसा वीडियो काफी टाइम बाद आई एम शूटिंग. तो हाँ, और बट मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि आप लोग मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो मेरे बारे में, जो भी फन, जो भी आपको पूछना है मुझसे रिलेटेड आप पूछ सकते हो. और काफी ज्यादा क्वेश्चन आया, आई मीन अच्छे खासे सवाल आए अपने पास. और अपना हमने सोचा कि चलो अब आए गए सवाल तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं. तो यस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन जो भी मेरे पास आया है. और यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम है हिमानी और यहाँ पर आपको मोस्टली ट्रैवल वीडियोज देखने को मिलते हैं इस चैनल में. तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन. एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ओके, तो इसमें हमारे पास है सारे सवाल और उनके जवाब देंगे. ओके, सबसे पहला सवाल जो कि आया है वो है Q&A माय वे. ओके, इनके चैनल का, इनका खुद का नाम क्या है मुझे नहीं पता है, बट इनका सवाल जो है वो कुछ ऐसा है कि डज हिमानी मीन्स गर्ल हु विजिट हिम प्लस आनी हिमालयस फ्रीक्वेंटली. इफ आपका नाम कुछ और होता तब भी क्या आप फ्रीक्वेंटली हिमालयस ही ट्रेवल करते. तो ये सवाल पसंद आया, काफी पसंद है. ओके, जस्ट किडिंग. हिम प्लस आनी मतलब, हिम मतलब होता है बर्फ और आनी पानी. तो बर्फ वाला जो पानी होता है, जो ग्लेशियर जो पानी बन के पहाड़ों से नीचे उतरता है, दैट्स हिमानी. और दैट्स वाई मुझे पहाड़ों से शायद थोड़ा ज्यादा प्यार है. मुझे भी ऐसा पता नहीं कभी कभी फील होता है कि आई हैव अनदर लेवल ऑफ कनेक्शन विथ माउंटेन. और स्पेशली मुझे हिमालयाज से बहुत ज्यादा कनेक्शन है. एवरी टाइम आई विजिट हिमालयाज, हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब मैं पहाड़ों वाली जगह पे हिमालयाज की सराउंडिंग में होती हूँ तो मैं बहुत ही अलाइव फील करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. एंड या आई डोंट नो दिस मेक्स सेंस और नॉट, बट यस दिस इज द आंसर. तो होप आपको आपका जवाब मिल गया. ओके, अगला सवाल है रितेश पटेलिया का और ही इज आस्किंग क्या आप फुल टाइम सिर्फ यूट्यूब करते हो. तो यस, इसका जवाब हाँ है क्योंकि आई एम डूइंग फुल टाइम यूट्यूब एंड सोशल मीडिया एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग एक्सेट्रा सिंस 2 years नाउ. और एक साल तो कोरोना ने पूरा, कोविड ने लास्ट ईयर पूरा खराब कर दिया. ये साल भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल हम थोड़े प्रो हो चुके हैं इस चीज में. लास्ट ईयर भी हमने ये सब चीजें झेली थी तो इस बार थोड़ा सा पॉजिटिवली झेलेंगे. बट झेलना तो सबको पड़ेगा, साथ में इस वाली जंग में हम सब साथ हैं. ओके, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. राहुल ठाकुर का सवाल है कि आई वॉन्ट टू ट्रेवल विथ यू एंड योर ग्रुप, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी. तो ये सवाल दो तीन लोगों ने पूछा है और इसके जवाब में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, लास्ट टाइम जब मैं अभी स्पिति गई थी रिसेंटली, तब भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, यूट्यूब पे पोस्ट किया था कि यू गाइज कैन ज्वाइन मी इफ यू वॉन्ट. बट हो सकता है आप लोगों ने तब वो पोस्ट नहीं देखा हो या मिस किया होगा. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जून में इफ एवरीथिंग विल बी फाइन, लाइक सब कुछ सही रहा, वैसे हमारा ये ट्रिप फाइनल है 12th टू 19th ऑफ जून, जिसमें कि हम एक्सपेडिशन में लेकर जा रहे हैं लेह लद्दाख और जांस्कर. तो या इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपको सारी डिटेल्स वहां पर सेंड कर दूंगी. और अगर आप डायरेक्टली ग्रे गोस्ट एक्सपेडिशन को करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं. उनका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आपको अगर ट्रिप पे ज्वाइन करना है मुझे, मैं भी जाने वाली हूँ, तो या यू कैन ज्वाइन. ओके, तो अगला सवाल है डेनिश वचानी का. ही इज आस्किंग मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप जो लाइफ में एक बार आपको करनी है. तो यार देखो, मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि मतलब ऐसे सोच नहीं सकती हूँ एक्चुअली मैं, कि जो मैं करूंगी वो मोस्ट एडवेंचरस होगी. कई बार हम सोच के जाते हैं उससे कुछ
विपरीत कुछ अलग ही हो जाता है, और कई बार आपने बहुत कुछ सोचा है वो प्लान आउट नहीं हो पाता है. तो ट्रैवल के मामले में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट यस, अगर एक ट्रिप ऐसी जो कि मुझे जाने का बहुत ज्यादा मन है, तो मुझे ना बहुत टाइम से, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मुझे तब से ऐसा था कि मैं कोई भी एक फॉरेन कंट्री, लाइक यूरोप टू बी प्रिसाइज, मुझे सोलो करना था, लाइक बिफोर आई गेट मैरिड. तो उससे पहले मैं यूरोप ट्रिप सोलो करना चाहती हूँ. तो या फिंगर्स क्रॉस कि हो जाए, मैं चली जाऊं. तो या दैट्स द थिंग. ओके, अगला सवाल है रीता का. रीता इज आस्किंग, इंटरनेशनल ट्रिप कब मिलेगी देखने को, और यदि मिलेगी तो कहाँ की. तो इंटरनेशनल ट्रिप का भी कुछ ऐसा है रीता कि मतलब कोविड सिचुएशन आप सब देख रहे हो, मेरे कुछ कुछ प्लान भी थे बट वो नहीं वर्कआउट हो पा रहे, बिकॉज लास्ट ईयर से चीजें ऐसे ही चल रही है एंड कॉन्स्टेंटली इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो अभी तो कोई ऐसा सीन है नहीं, कुछ भी प्लान नहीं किया है मैंने, बट यू नेवर नो कब सिचुएशन सब ठीक हो जाए. तो मुझे बाली जाने का काफी ज्यादा मन है, इंडोनेशिया, और या होपफुली साल तो जा पाए. मतलब आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बट यस, अगर मिला जाने तो आई वुड लव टू गो टू बाली. अगला सवाल है अरुण का. अरुण इज आस्किंग, डू यू प्लान टू सम टाइम को ट्रैवल इन फ्यूचर विद अदर व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स. तो या आई वुड लव टू. मेरे वैसे देखा जाए, सच्ची बताऊं तो मेरे कोई ऐसे यूट्यूब से फ्रेंड है नहीं मेरे, एक या दो लोग हैं जिनको मैं जस्ट जानती हूँ बाय नेम, और वो भी मुझे सोशल मीडिया पे ही, लाइक हमारी कभी चिटचैट हो जाती है, अदरवाइज दे आर नॉट माय फ्रेंड. तो बट हाँ, अगर कभी ऐसा चांस मिलेगा कि मेरे किसी के साथ बॉन्ड अच्छा होता है, तो आई वुड लव टू गो मैं किसी ब्लॉगर, क्योंकि जब आप सेम फील्ड के लोग साथ में ट्रैवल करते हो या साथ में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, दे बॉन्डेड सो वेल टुगेदर. और मैं देखती हूँ कई यूट्यूबर्स को जिनके फ्रेंड सर्कल बन चुके हैं, दे ट्रैवल्स टुगेदर, और काफी अच्छा लगता है देख के. तो मुझे भी ऐसा काफी मन है कि मेरे भी ऐसे सर्कल बने, तो मैं उनके साथ ट्रिप पे कहीं जाऊं. ओके, तो अगला सवाल है यश कुकरेजा का. वैसे ये सवाल इन्होंने ही नहीं, दो तीन लोगों ने पूछा है कि आर यू सिंगल, आर यू डेटिंग समवन, आप शादी कब कर रहे हो, और समथिंग समथिंग समथिंग. तो यस, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यस, आई एम सिंगल, आई एम नॉट एंगेज्ड, आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट डेटिंग सम एनीवन. तो यस, दिस इज माय रिलेशनशिप स्टेटस बाय द वे. हैप्पीली सिंगल हूँ. और शादी कब कर रहे हो, तो ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कब शादी कर रही हूँ, क्योंकि आई मीन मुझे नहीं पता है तो नहीं पता है, किसको पता होता है कि उनकी शादी कब होने वाली है. हाँ, मतलब ऐसे जस्ट अनुमान तो लगा सकते हैं, बट आई रियली डोंट नो, आई डोंट हैव एनी क्लू. यस, आई एम काइंड ऑफ रेडी कि हाँ, अब कर लेंगे शादी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है वाली चीज है नहीं, बट कब होने वाली है ये नहीं पता है. बाय द वे, थोड़ा सा सीक्रेट भी रहने देना चाहिए यार, जब होगा कुछ ऐसा तो बता ही देंगे. आप लोगों से क्या छुपाना, मतलब यू नो, आप लोगों से छुपाने वाली कोई ऐसा काम हम करते ही नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता चल जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, अगला सवाल है सहजोग्या का. तो दिस इज सहजोग्या फैमिली. ओके, आपका फेवरेट ट्रैवलिंग व्लॉगर कौन है? तो माय फेवरेट ट्रैवल व्लॉगर, अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो तानिया कनीजो इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. शी इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट, एंड मतलब वैसे लैरिसा एंड देन तानिया, या आई कैन से दैट लैरिसा एंड तानिया, दे बोथ आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर. दे क्रिएट अमेजिंग कॉन्टेंट, और मुझे राइडर गर्ल विशाखा भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज शी इज अ बड़ास वुमन एंड शी इज डूइंग फैंटास्टिक थिंग्स. सो या, आई लाइक हर टू. और भी यार बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर है. कॉन्टेंट की बात करूँ तो मुझे अंकित भाटिया का कॉन्टेंट बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग मंडेज शक्ति का कॉन्टेंट बहुत पसंद है, और there is a desi girl traveler, उसका भी content मैं देखती हूँ every now and then. So yeah, these are the people whom I watch, जिनका content मैं देखना पसंद करती हूँ, and yeah, I follow them as well.
ओके सो अगला सवाल है वाई टी ट्रिक्स का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने आरजेइंग वाली जॉब क्यों छोड़ दी। तो वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले, और अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है स्टोरी तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पर कहीं पर कार्ट में डाल दूंगी। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं तो मैंने ट्रैवलिंग करने के लिए ही, और मुझे लगा था कि डेस्टिनी मुझे पता नहीं क्यों उसे बुला रही है कि हिमानी जिस जाओ निकलो घर से बाहर निकलो घूमो फिरो थोड़ा एक्सप्लोर करो तो ये पैशन को फॉलो करो, तो बस इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी एंड या तब से बस ऐसे ही चल रहा है। अगला सवाल है वी मूवीज का, जिन्होंने पूछा है आपकी सबसे लग्जूरियस ट्रिप कहाँ की थी अब तक की। तो मेरी आज तक की सबसे लग्जूरियस ट्रिप जो थी वो स्पॉन्सर्ड थी बाय फॉरेन प्रेस सेंटर वॉशिंगटन, और हम यूएस गए थे। इट वॉज 20 डेज लॉन्ग ट्रिप और वो काफी लग्जूरियस थी, काफी एक्सप्लोर किया घूमा यूएस फ्री में, मतलब खुद की एक रुपए खर्च नहीं हुए थे। या थैंक्स टू माई रेडियो स्टेशन जिन्होंने मुझे वो मौका दिया, वो स्वर्णिम अवसर, और मैं पहली कंट्री यूएस घूमने जा पाई। लाइक मेरे इंटरनेशनल ट्रिप, मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था यूएस का, और वो भी पूरा फ्री। आई मीन व्हाट, या तो इट वाज अ लग्जूरियस ट्रिप टिल नाउ, क्योंकि फिर मैं वेगस भी गई थी, वेगस में मैं वेनिशन में स्टे किया था, न्यूयॉर्क गई थी, तो काफी कुछ उसमें काफी लग्जूरियस ट्रिप था। ओके अगला सवाल रितेश ब्लॉग्स, आपको वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है। तो वीडियो एडिट करने में मुझे इट डिपेंड्स कि मैं कौन सा, लाइक मैं नॉर्मल व्लॉग एडिट करती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है, 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाता है। और अगर इफ आई एम एडिटिंग लाइक फुल फ्लैश कोई सीरीज एडिट कर रही हूँ मैं ट्रैवल, उसमें वॉइस ओवर्स भी करना है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, म्यूजिक काफी टाइम लगता है सर्च करने में, तो उसके लिए कभी कभी मुझे 2 दिन भी लग जाते हैं, करते करते 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। तो या इट डिपेंड्स कि किस तरीके का कंटेंट आई एम क्रिएटिंग। नॉर्मल ब्लॉग एडिट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं मिनिमम। और हाँ या लेते हैं नवीन ठाकुर का, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। हाँ जी बिल्कुल, मैं दे रही हूँ आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। हाँ अपने बारे में बताओ, लाइक आप कहाँ से हो, आपने आरजे का जॉब क्यों छोड़ा, आपका अगला ट्रिप कौन सा है, आप कितने एजुकेटेड हो एटसेट्रा। बाय द वे नवीन जी, आपका सवाल सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए रिश्ता भिजवाने वाले हो। ओके आई एम सो सॉरी, आई एम किडिंग। लगता है ऑलमोस्ट इन सारे सवालों के जवाब मैंने ऊपर दे दिए हैं कि यस, बट मैं कहाँ से हूँ, तो आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, मेरा घर रायपुर में है छत्तीसगढ़ में, और वैसे करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली NCR। और मैंने आरजे का जॉब क्यों छोड़ा, तो यस मुझे मेरा पैशन फॉलो करना था, दिस इज माई पैशन ट्रैवलिंग, तो मैंने छोड़ दिया। आपका अगला ट्रिप कौन सा है, तो अगला ट्रिप मेरा अभी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। ट्रिप तो नहीं है बेसिकली वो, इट जस्ट की लुकिंग टूवर्ड्स द सिचुएशन, आई एम प्लानिंग समथिंग। अगर वो वर्कआउट हो जाएगा तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा, बता दूंगी मैं आपको। हाँ जी, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, पता चल जाएगा। यस या और आप कितने एजुकेटेड हो, तो कॉमर्स ग्रेजुएट एंड उसके बाद मैंने MBA किया HR में, मैंने रेडियो की जॉब करी और नाउ आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो यू कैन सी कितना वर्सेटाइल, कितना मतलब मेरा करियर कैसा रहा है, मेरा करियर ग्राफ काफी काफी अमेजिंग रहा है, यू कैन से दैट। ओके अपने मुंह में या मिट्ठू बनना बोलते हैं इसको, forget it, okay fine, next question लेते हैं। PR प्रकाश जी का सवाल है कि बिहार के बारे में आपकी क्या सोच है। तो बिहार के बारे में हमारी ये सोच है कि जिया हो बिहार का लाला, जिया तुम हजार साला। मुझे क्या हो जाता है पता नहीं, हम बिल्कुल पसंद करते हैं हमारे देश के हर राज्य को, हम बहुत पसंद करते हैं, बट बिहार में कहां गई हूँ, बिहार में मैं बिहार कभी नहीं गई हूँ। ओके मैं अभी तक तो बिहार नहीं गई हूँ, बट बिहार में जरूर जाना चाहूंगी और आऊंगी तो जरूर आप लोगों को बताऊंगी। और इसी के साथ सारे ये जो सवाल थे वो होते हैं यहीं पर खत्म। अभी होपफुली आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले हैं तो अगले वीडियो में मैं फिर से कभी देने की कोशिश करूंगी। टिल द टाइम आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। यार प्रॉब्लम देखो, अभी सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसमें दुखी होके अपने माइंड को स्ट्रेस में डाल के और
बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके आप अपने आप को ही हार्म करोगे, अपने आप को ही परेशान करोगे. सो द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पीपल अराउंड यू, और अपने बड़ों का, अपने घर में स्पेशली सीनियर सिटीजन है तो उनका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर नेशन. And yeah, with that note, I'm ending this vlog video here. We'll see you with another video. और कहाँ से, किधर से, कहाँ, कब video आएगा वो तो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी. And till then, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए. Stay safe, stay happy, stay blessed. And yeah, tada, bye bye, namaste.